फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लू हार्ट एंड इन दिस डे टू ऑफ दिस व्लॉग। तो आज का प्लान ये है कि नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं निकलूँगा चूड़दार के ट्रैक के लिए। यहाँ से कि 16 किलोमीटर का ड्राइव है, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट होता है। तो मेरा आज का प्लान है कि जाऊँगा और वापस आऊँगा। अभी तो मैं बस स्टिल उठाई हूँ और थोड़ी देर में निकलेंगे नाश्ते के लिए। नाश्ता करने के बाद फिर करते हैं ट्रैक और आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। चलिए फ्रेंड, बने रहिए डे टू ऑफ दिस व्लॉग टू द चूड़दार ट्रैक। फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी चूड़दार के स्टार्टिंग ट्रैकिंग पॉइंट पे। वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है और करीब 12 किलोमीटर की बाइक ड्राइव करने के बाद यहाँ आया हूँ। यहाँ आप अपनी बाइक्स पार्क कर सकते हैं, कार पार्क कर सकते हैं, रोड पे ही अवेलेबिलिटी है कार पार्किंग की। और वो सामने जो रोड जा रही है वो जाते हैं, यहाँ से है करीब 6.5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर का ट्रैक। तो अभी शुरू करते हैं ट्रैक। अभी हो रहे हैं 10:30, तो अराउंड 3 to 4 hours लगने वाले हैं मुझे पहुंचने के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है ट्रैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रैक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकल ढाबे वगैरह भी हैं और मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, रूट फाइंड करना ईजी है। तो ये नीचे रोड साइड पर आपको ये ढाबे पार्किंग मिल जाएगी, और ये किसी भी ढाबे वाले से आप बात करें, इनसे बात करें तो ये आपको टेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको रात को अगर रुकने, अगर यहाँ पे आ जाते हो, इनके से अगर आप लेट पहुँचते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप टेंट लेके रुक सकते हो। और ये जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये है सरैन विलेज के पास, इस एरिया से लिहाट और सरैन के बीच का जो एरिया है, यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ से ये 6.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको कवर करने में अप्रॉक्सीमेट 3-3.5 घंटे लगेंगे आपको मंदिर तक। टॉप तक जाने में 1.5 घंटा और लगता है। और अगर आप नौराधार की तरफ से आते हैं, नौराधार से आपको 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, और उसमें लग जाता है आपका पूरा दिन, 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। बट मैंने सुना है, लोगों ने बताया कि ये उस वाले से थोड़ा इजी है, और क्योंकि छोटा भी है और सेम डे में अप डाउन कर सकते हैं। तो मेरा आज का प्लान ये है कि मैं जाऊँगा, दर्शन करूँगा और वापस आ जाऊँगा, और रात को लिहाट में रुकूँगा। और नेक्स्ट डे देखता हूँ, थर्ड डे कैसा रहता है प्लान, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो चलिए अब आपको ट्रैक दिखाता हूँ। गाइस, अभी ट्रैक स्टार्ट ही हुआ और देख सकते हैं आप यहाँ के व्यूज़ बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ये फैमिली मेरे साथ जा रही है, तो ये लोकल ही हैं यहाँ पे। तो आज संडे है, तो दर्शन करने के लिए बहुत से लोग गए हैं यहाँ से। तो गाइस, कुछ ऐसा ट्रैक अभी शुरू ही हुआ है, अभी मुझे 5 मिनट हुए हैं ट्रैक करते, और व्यूज़ यहीं से बहुत सुंदर नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी तक तो ट्रैक सारा क्लियर है। वैसे भी चूड़दार, अगर आप नौरदार से भी आते हो तो भी वहाँ पे ट्रैक्स काफ़ी क्लियर है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, कभी पेड़ों में लिखा होता है मंदिर जाने का ये रास्ता, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। चलिए आपको ट्रैक दिखाते हुए चलते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं और आप भी करिए। जब भी आप आते हैं यहाँ पे ना, एक एक दो दो मिनट की रेस्ट लेते रहिए, लगातार ना चलिए, वो रेस्ट आपको दोबारा से एनर्जी देगी नेक्स्ट पैच को कवर करने के लिए। यहाँ पे कुछ हट सी बनी हुई हैं, तो अभी तो वहाँ पे कोई नहीं है, और रास्तों को देख के लगता है कि सीजनल में शायद ये एक्टिव रहती होंगी। यहाँ पर सीजन में बहुत लोग आते हैं, तो शायद ये एक्टिव होती होंगी रात को रुकने के लिए या फिर
रिफ्रेशमेंट के लिए। और यहाँ ट्रैक पे मेरे अलावा और कोई नहीं है, कोई ना कोई आता हुआ वापस नज़र आ जाता है, जो कल के गए हैं वो वापस आ रहे हैं, वो कोई ना कोई नज़र आ जाता है। और बाकी दूर से तो कोई नहीं है, बट ट्रैक आर क्लियर, आप ट्रैक पे इजीली चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, बट ट्रैक क्लियर है। करीब 45 मिनट्स में चल रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने करीब 1.5 किलोमीटर या मे बी 1.5 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया होगा, कुछ अंदाज़ा नहीं है, तो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुका हूँ मैं। तो यहाँ तक का सफ़र जो अभी तक करा है वो सारा डेंस फॉरेस्ट है, तो आप देखो अगर यहाँ पे चारों तरफ पेड़ और बस ऐसे एक रास्ता बना, रास्ता बहुत अच्छा है, ईजिली आप जा सकते हैं, लोकल लोग भी आते जाते रहते हैं, तो कोई ना कोई अगर आप सोलो भी आते हैं तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। तो ये डेंस फॉरेस्ट है पर बहुत अच्छा शांत। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एक पहाड़ी मशरूम, देखिए अगर आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ, ये पेड़ के नीचे छुपा हुआ था, मुझे अचानक ही नजर आ गया। सीधी चढ़ाई है, डिफ़िकल्ट लेवल, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और थोड़े चलने के बाद सांस फूट रही है। तो फ्रेंड्स वो देखिए पहली झलक श्री गुरु महादेव मंदिर की, जूम करता हूँ मैं, वहाँ पे जाना अभी हमने। तो फ्रेंड्स वो रही पहली कैंप साइट जो इस ट्रैक के हाफ में है, इसका मतलब हमने 3-3.5 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, और इतना कवर करने में मुझे लगे हैं अराउंड 1 hour 45 minutes। पहले दिखाया भी था, तो ये मैंने पूछा ये इसलिए बांधते हैं अगर बाघ या शेर कोई इन पर अटैक करे तो वो इजीली इनको अपना शिकार ना बना सके, क्योंकि वो अक्सर गले से पकड़ते हैं जानवरों को। तो फ्रेंड्स यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए आप रुक सकते हैं, चाय पकौड़े खाना वगैरह आपको भी सी चीज़ें मिल जाएंगी, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। और मैं 15 मिनट यहाँ रुका, रहने का इन्होंने बोला कि इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है, और इनके अकॉर्डिंग अभी सिर्फ 2 किलोमीटर का और रह गया, आई होप कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और अभी हो रहे हैं 12:45, होपफुली मैं विदिन 1 hour 1:45 तक ऊपर पहुंच जाऊंगा, मेरा टारगेट था कि 2 बजे तक ऊपर पहुंच जाऊं, और 2 घंटे में स्पेंड करने के बाद अराउंड 4-4 बजे वापस चलना शुरू हो जाऊं, ताकि 1.5 घंटे 2 घंटे में 6 बजे तक नीचे पहुंच जाऊं, फिर आगे मुझे आधा घंटा और लगना है बाइक ड्राइव करते हुए, आधा अप्रॉक्स बाइक आधा घंटा। तो ये आज का प्लान, तो अभी 2 किलोमीटर और रह गया, चलिए अब आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं, ये थोड़ा टफ होने वाला है आई थिंक, क्योंकि सीधी चढ़ाई है, काफ़ी देर से चढ़ ही रहे हैं ऊपर की तरफ, तो टॉप तक जाना है हमें, और ये सबसे इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी है वो शिरगुल महादेव का मंदिर, थोड़ा नीचे है बट जो शिव जी की मूर्ति है वो सबसे टॉप पे है, उसके लिए आपको और 1.5 घंटा लगता है ऊपर जाने में, वो करीब 1-1.5 किलोमीटर और है, वो काफ़ी टफ है। तो चलिए ये रास्ता कवर करते हैं, आपको आगे की शॉट्स दिखाते हैं।
तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, वो टॉप पे है हिरगुल महादेव शिव जी की मूर्ति, जहाँ तक मुझे जाना है। पर यहाँ नीचे भी उनका मंदिर है हिरगुल महादेव जी का, तो पहले मंदिर में जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा टॉप पे। अच्छा हमको वाला सिक्का भी खड़ा है यार, पता नहीं। और यहाँ पे कुछ स्टैंड है, यहाँ पे चूड़ियाँ टूटी हुई हैं और बिंदियाँ लगी हुई हैं। ये घोड़ी है, क्यों लगाती है? घोड़ी है ये, तलवार लगा रखी है चूड़ेश्वर महाराज ने। अच्छा, उनको मंदिर में वो किया है, तलवार उस पे आए थे ना घोड़ी पे, यहाँ पर आए थे मानता है। अच्छा है, यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पर वो दिए थे उन्होंने चावल ना, मंत्रा ने किया थी तो फिर वो ये बिंदियाँ क्यों लगाते हैं लोग, घोड़ी को बिंदियाँ लगाते हैं? हाँ, वो अपनी वो आस्था होती है। और चूड़ियाँ स्वागने रखती है यहाँ पे ना। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये है हिरगुल महादेव जी का मंदिर, और मुझे यहाँ पहुँचने में लग गए हैं अराउंड 4 आवर्स। मैंने बीच बीच में रेस्ट भी ली, और ढाबे पे तो मैं 15 मिनट्स के लिए टी ब्रेक ले रुका था, पर 4 घंटे में आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हो। लास्ट में काफ़ी मुश्किल हो गया, थकान हो रही है, सांस फूल रही है, तो 5 मिनट रेस्ट करके दर्शन करके आपने हिरगुल महादेव जी का, उसके बाद चलेंगे टॉप पे। सो फ्रेंड्स ये है हिरगुल महादेव जी का मंदिर, अंदर फोटोग्राफी और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो बस मंदिर के दर्शन कर लिए, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर टॉप मंदिर की तरफ, मूर्ति जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है वो सबसे टॉप पीक है यहाँ इस एरिया की। तो मंदिर के पीछे से रास्ता है इस तरफ से वहाँ जाने का, इधर भी एक स्पॉट है पर वहाँ मंदिर तक जाने का रास्ता यहीं से है। तो फ्रेंड्स वहाँ से जो मैंने बताया था वहाँ से रास्ता आता है और इस तरफ ऊपर को जाता है, तो काफ़ी टफ है ये यहाँ ऊपर तक जाना। तो फिर जब यहाँ आप यहाँ आते हैं तो अप्रैल मई जून या फिर आफ्टर 15th of September और अक्टूबर में ही, उसके बाद नहीं, अक्टूबर में भी 15 अक्टूबर के बाद हल्की फुल्की बर्फ़ पड़ती है, पर सर्दियों में यहाँ बहुत 4-5 फुट तक बर्फ़ पड़ती है, मंदिर बंद हो जाते हैं, कोई नहीं आता। शायद यहाँ पे पुजारी होते होंगे पर मुझे श्योर नहीं है, पर गर्मियों का सीज़न बेस्ट है जो आपको बताया मैंने। फ्रेंड्स जाने का मन तो नहीं है, पर क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, तो अब हो गए हैं 4, मुझे 1 घंटा लगा जाने में, अभी हो गए हैं 4-5, बस नेक्स्ट 5 to 10 मिनट में मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, और 2 से 2.5 घंटे लगेंगे मुझे नीचे उतरने में। चलो चलते हैं, और वापसी में अगर कुछ होगा तो मैं आपके लिए कैप्चर करूँगा। तो फ्रेंड्स वो है वो पत्थर, वहीं से हम मंदिर की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ से होते हुए वो जो आपको रेड छोटा सा वो डस्टबिन नज़र आ रहा है वहाँ से होकर जाना पड़ेगा, पर मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से मंदिर की तरफ। और वो आता है पत्थर बीच में, देवता चूर। अच्छा, तो ये क्या मान्यता है यहाँ पे इस पत्थर पे? कोई कह रहा था कि हाथ चिपक जाते हैं, बड़े आसान से चढ़ जाते हैं, वो क्या है?
पता नहीं बाबा, ये तो नहीं पता। मैं पहले तो मैं भी गई थी जब लड़की थी, अब उसके बाद तो मैं भी नहीं गई। वहाँ ना जैसे देवता था ना वो चूरू महाराज, फिर वहाँ पर उसको नीचे डाल रहे थे वहाँ से, जो वो यहाँ पर था ना वो दूसरा देवता, वो राक्षस, वो डाल रहा था नीचे वहाँ से। फिर ऐसे सारा परिवार वहाँ पर सारा उसी तरह से पत्थर में श्राप आया, पूरा परिवार उसका उस तरह से। फिर वहाँ जाते हैं फिर शिव जी, शिव महाराज ने पत्थर डाला उसके लिए ना दिल्ली से, फिर वापसी हुआ ये देवता, वो भाग गया था वो देवता वहाँ। इसमें तो पत्थर में पांव फंस जाते हैं। मैं इसमें नहीं गिरी थे पर दिल नहीं फंसता ना। हमारे को भी जब हम पिछली बार आए तो पकड़ पकड़ के ले गए, बट जी जो भी को बयान दे रहा प्रीति भी छुप गई, हम तो गए थे प्रीति भी गई थी। हां बस दीपक लग लगता लग है मेरे बहुत डर से लेडी जाते हैं ऊपर। हां फ्रेंड्स मैं वापस आ गया हूँ शिरडी महादेव जी के टेंपल के पास। टेंपल अभी बंद हो गया, शायद टाइम होता होगा ओपन और क्लोज का। तो आज का वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तक गया हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी अराउंड 6.5 किलोमीटर का ट्रैक मुझे और करना है नीचे की तरफ, उतरना बहुत टफ हो रहा है, थक गया हूँ। और देखिए मेरे पीछे फॉग आ गई है क्योंकि 4:30 का टाइम है और फॉग से कवर हो गया सब कुछ, और ब्यूटीफुल इट इज। चलिए फ्रेंड आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अब मैं आपसे मिलता हूँ जाके नेक्स्ट डे कल। और दिस इज़ माय डे 2 ऑफ माय ट्रिप। सो अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में, या फिर एंड वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, करते हैं आज की वीडियो की यही एंड।